दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आप लोग के बीच एक बार फिर से आ चुके हैं। आज पूरे दिन मेरा इंतजार था, हम देख रहे थे, हम आप लोग के बीच आज के दिन में दो तीन वीडियो अपलोड किए जिसके माध्यम से आप लोग को जानकारी दे दिए। सबसे पहले सवेरे कि आप लोग का मेरिट लिस्ट आ चुका है और मेरिट लिस्ट को डाउनलोड करके हम ग्रुप में भी डाल दिए। सारे कैंडिडेट यहाँ पर रिजल्ट देख लिए। रिजल्ट देखने के बाद यहाँ पर 8500 कुछ रिजल्ट यहां पर जारी किया गया है। उन सारे कैंडिडेटों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। आप लोग का मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका, अब आप लोग बिल्कुल रूप से खुशी मनाइए, अपने घर में मिठाई खाइए। लेकिन यहां पर इसके अलावे कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका रिजल्ट होना था लेकिन उसका भी रिजल्ट नहीं हुआ। जैसे कि मैं सिंपल सी बात करूँगा कि 8853 वैकेंसी था, 8853 वैकेंसी था, आप लोग को मालूम ही होगा। लेकिन यहाँ पर 8500 कुछ वैकेंसीज का यहाँ पर मेरिट लिस्ट जारी किया गया। इसके अनुसार अगर बात किया जाए तो 317 कैंडिडेटों का मेरिट लिस्ट यहाँ पर जारी नहीं किया गया। आखिर क्या वजह है कि 317 कैंडिडेटों का मेरिट लिस्ट यहाँ पर जारी नहीं किया गया, ये बात जानना आप लोग के लिए बेहद ज़रूरी है। उसके साथ ही फ्रेंड्स, मैं आप लोग के बीच ये भी बात करने जा रहा हूँ कि आप लोग का जब यहाँ पर मेरिट लिस्ट आ गया तो आप लोग का ज्वाइनिंग कब होगा, ज्वाइनिंग के प्रोसेस के मैं बारे में बात कर लूँगा। उसके बाद मैं बात करूँगा कि बहुत ऐसे डाउट है जो आपके मन में, तो मैं बारी बारी से सारे क्वेश्चंस का आंसर दे रहा हूँ, पूरे कंप्लीट जानकारी आपको हम दे देता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं बता दूँ कि आप लोग जिन कैंडिडेटों का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट शीट में आप लोग सबसे पहले ये देखिएगा, रिजल्ट का जो शीट है, मेरिट लिस्ट का जो आप लोग का पेज है PDF, उसमें ये देखिएगा कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनमें स्टार लगा दिया है। यानी कि उसमें आप लोग देखिएगा तो स्टार लगा हुआ है, स्टार लगा हुआ है और उसको कलर किया गया है। अब कलर जो किया गया है उन सारे कैंडिडेटों को ये कह रहा है डिपार्टमेंट कि आपने जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र नहीं जमा किए हो, तो आप लोग नया जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र बना करके आप लोग 30 दिन के अंदर आप लोग जमा कर दीजिए। आज से 30 दिन काउंटिंग करना है और 30 दिन के अंदर जो कैंडिडेट में ब्लू कलर किया हुआ है उसमें देख लीजिएगा कि कलर किया हुआ है, पीला कलर किया हुआ है और स्टार लगा हुआ है, वो स्टार वाले कैंडिडेट ही करेंगे, तो ये सारे कैंडिडेट कर लेंगे। दूसरी बात मैं फ्रेंड्स बात करूंगा कि ज्वाइनिंग कब होगा। ज्वाइनिंग के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को विद इन 2 मंथ वेट करना पड़ेगा। विद इन 2 मंथ, 2 मंथ आप लोग वेट कर सकते हो, आप लोग को ज्वाइनिंग का पोस्टिंग ऑर्डर आ जाएंगे, अब आप लोग ज्वाइनिंग कर पाएंगे। अब आपके मन में ये डाउट होगा कि भाई इतना कम सैलरी है, इतना कम सैलरी में अगर ज्वाइनिंग दूर दे दिया जाए, पोस्टिंग दूर कर दिया जाए, मान लिया जाए अगर किसी कैंडिडेट का घर पटना है और उसको मधुबनी दे दे या फिर सुपौल दे दे, तो यहाँ से काफ़ी दूर हो गया, 200-250 किलोमीटर की दूरी हो जाएगा। तो इतना दूरी पर अगर इससे इतने कम सैलरी में अगर वहाँ पर जॉब करे तो यहाँ पर संभव नहीं हो पाएगा। तो सारे स्टूडेंट के मन में ये भी कन्फ्यूजन है, तो मैं बता रहा हूँ कि जहाँ पर आप लोग को पोस्टिंग मिलेगा आप लोग बेफिक्र पोस्टिंग कर लीजिए, विदाउट टेंशन लिए जहाँ पर आप लोग को जॉब दिया जा रहा है, जिस हॉस्पिटल में, जिस जिला में, आप लोग ज्वाइनिंग कर लीजिए। ज्वाइनिंग होने के बाद कुछ दिन के बाद आप लोग को मैं तरीका दिखा दूंगा, आप लोग को कुछ मैं आइडिया दे दूंगा जिसके माध्यम से आप लोग ट्रांसफ़र होकर के आप अपने नज़दीक के ज़िले में आ सकते हो, आप अपने पड़ोसी जिले में या जिस जिले में लगभग चाहते हो उस जिले में आ सकते हो। तो फिलहाल इसके लिए टेंशन नहीं लेना है कि किसका ज्वाइनिंग कहाँ होगा और मुझे यहाँ होगा, इस सब के लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। जहाँ पर ज्वाइनिंग हो ज्वाइनिंग कर लेना है। ज्वाइनिंग का जो पोस्टिंग के लिए जो जारी किया जाएगा एक और लिस्ट जिसमें ज्वाइनिंग का जगह दिया जाएगा, उस ज्वाइनिंग के लिए आप लोग को 15 दिनों का टाइम दिया जाएगा। 15 दिन के अंदर आप लोग को ज्वाइनिंग कर लेना है। ज्वाइनिंग के लिए 2 डॉक्यूमेंट आप लोग को मेन रूप से जरूरी पड़ता है, एक मेडिकल फिटनेस होता है जो कि सिविल सर्जन डॉक्टर से बनाना होता है, वो आपको 1 दिन में बन जाएगा, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बना लीजिएगा सदर अस्पताल से, सरकारी हॉस्पिटल से। दूसरा होता है आप लोग को एक एफिडेविट बनाना होता है 1000 रुपये का, वो एफिडेविट आप लोग आराम से बन जाएगा, वो भी 2 घंटा का काम है, 1 दिन में आप लोग को बन जाएगा। इसके अलावा बैंक अकाउंट सबके पास है, जिसके पास पैन कार्ड नहीं बना है वो पैन कार्ड बना लीजिए, और इसके अलावा कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगा, आधार कार्ड वगैरह सब कैंडिडेट के पास होगा ही, तो बस इतना डॉक्यूमेंट होने पर आप लोग को ज्वाइनिंग हो जाएगा। ये कंप्लीट सेशन हो गया। अब दूसरा डाउट आप लोग से हम ये पूछेंगे कि बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो कह रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि सर मैं SC कैटेगरी का हूं और मेरा रिजल्ट UR में हो गया। UR का मतलब जनरल कैटेगरी होता है, ऑन रिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी में हो गया। अब बहुत ऐसे हैं जिनका EBC में है, जनरल में हो गया, OBC का है, जनरल में रिजल्ट हो गया, इसका क्या कारण है और ऐसा क्यों हुआ, इसके होने के कोई प्रॉब्लम भी है, इसका आंसर सुन लीजिए। जिन कैंडिडेटों
का नाम एससी कैटेगरी में है अप्लाई किया था, या ओबीसी में, या फिर ईबीसी में, या फिर आप लोग मान लो ईडब्ल्यूएस में, और उन कैंडिडेटों का रिजल्ट यूआर कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में है, तो आप लोग का कहने का ये मतलब है कि आपने जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ था उससे ज़्यादा अंक ले आया, ठीक है। आपने जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ बनाया था उस कट ऑफ से ज़्यादा अंक आपने पार किया, इसलिए आपका रिजल्ट जनरल में बना दिया गया। इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है, आप लोग का रिजल्ट मेरिट लिस्ट में कहीं भी है, मेरिट लिस्ट में नाम बस आप लोग का है, तो आप लोग इतना समझ लीजिए कि आप लोग का जॉब हो गया, और आप लोग को कोई चिंता नहीं करना है। कोई भी कैटेगरी कहीं भी रिजल्ट हुआ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और अच्छी बात है कि आपका रिजल्ट जनरल कैटेगरी में हो गया, ये और अच्छी बात है, इसमें कोई ये नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस रिजल्ट हो गया। उस मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम नीचे भी है, ऊपर भी है, कहीं भी है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका नाम मेरिट लिस्ट में है तो आपका रिजल्ट कंप्लीट हो गया। एक और क्वेश्चन है बहुत सारे कैंडिडेटों का कि सर ये बताइए कि जब मतलब ज्वाइनिंग हो जाएगा तो उसके बाद सैलरी कितने दिन के बाद मिलेगा। यार ज्वाइनिंग होने के बाद सैलरी आप लोग को मिल जाएगा, दो तीन महीने के बाद मिलना शुरू हो जाता है, ये चीज़ हो गया। एक और क्वेश्चन है सारे कैंडिडेटों से कि सर अभी 317 जो सीट है उनका मेरिट लिस्ट नहीं आया, उनका मेरिट लिस्ट कब तक आएंगे। मैं बता दूं कि सेकेंड लिस्ट आएगा, सेकेंड लिस्ट जरूर आएगा, लेकिन सेकेंड लिस्ट में अभी टाइम लगेगा, पहले फर्स्ट लिस्ट का पोस्टिंग ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा, उसके बाद सेकेंड लिस्ट आएगा। हो सकता है तो पहले भी दे दे, लेकिन ऐसा उम्मीद 95% नहीं है कि आप लोग को पहले दे दे, लेकिन जो 317 वैकेंट सीट है उसका रिजल्ट आप लोग को जरूर देगा। अब आप लोग सोचते होंगे आखिर इन कैंडिडेटों का रिजल्ट क्यों रोका। अब देखिए डिपार्टमेंट के अंतर्गत हो सकता है कि जिन कैंडिडेटों का रिजल्ट वहां पर बना होगा 317 के लिस्ट में, तो उस रिजल्ट को फिर से संशोधन किया जाए, या फिर हो सकता है कि उतने कैंडिडेट वहां पर एग्जैक्ट नहीं मिला होगा जिसके वजह से रिजल्ट रोक दिया होगा, या हो सकता है कि उन लोग का कोई डॉक्यूमेंट फॉल्ट हो तो इसलिए उन कैंडिडेटों को रोक दिया होगा। लेकिन इसका रिजल्ट आएगा, सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा, इतना श्योर रहिए आप लोग को, इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है कोई परेशानी नहीं हुआ है, हम ये भी परेशानी नहीं है। मैं ये भी कहूँगा कि जिन कैंडिडेटों का रिजल्ट यहाँ पर नहीं हुआ उन कैंडिडेट से मैं ये भी कहूँगा कि आप लोग के लिए सुनहरा अवसर है, 10,709 वैकेंसीज बिहार तकनीकी सेवा आयोग में आ चुकी है, आप लोग वीडियो देखे होंगे, अब उसमें भी अप्लाई करिए। अभी 30,000 महिला कोऑर्डिनेटर की वैकेंसीज आने वाली है जिसमें 12th पास कैंडिडेट हो सकता है अप्लाई करेंगे, तो वो भी वैकेंसी जाएगी, वहाँ पर भी आप लोग अप्लाई करने का मौका मिलेगा। इसलिए घबराना नहीं है, ये कंपटीशन है, सबका मेरिट लिस्ट बनना संभव नहीं था, इसलिए उसके लिए नहीं घबराना है, ठीक है, इसके लिए फ्री रहिए। अब दोस्तों आप लोग ये भी सोचते होंगे कि आपके मन में ये भी डाउट है, बहुत सारे कैंडिडेट हमसे पूछ रहे हैं कि सर न्यू वैकेंसीज कब है, न्यू वैकेंसीज के मैं बारे में जानकारी दे ही दिया हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स मैं एक बात और आपको बताऊँगा कि आप जितने भी कैंडिडेट हो एएनएम वाले जिनका मेरिट लिस्ट बन गया, वो जो डॉक्यूमेंट आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लाए थे वो डॉक्यूमेंट का आप अपने पास रखेंगे, उस डॉक्यूमेंट का भी जरूरत पड़ सकता है ज्वाइनिंग के टाइम में, क्या क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब ज्वाइनिंग लिए जाते हैं तो एक बार फिर से डॉक्यूमेंट मांग लिया जाता है, उसका फोटोकॉपी, उससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस आपको फोटोकॉपी देना होता है, अदरवाइज नहीं मांगे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि फ्रेंड्स आपको लगभग सारे डाउट क्लियर हो गया होगा, अगर इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो बिल्कुल उस समय कमेंट करके बताइएगा। एक चीज़ और बताना छूट गया कि कट ऑफ का यहाँ पर लिस्ट जारी नहीं हुआ है, कट ऑफ का लिस्ट जारी होगा उसके लिए भी चिंता नहीं करें, डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट में वेबसाइट के माध्यम से टेक्निकल फॉल्ट आ गया होगा या जो भी कुछ हो, उसका भी कट ऑफ का लिस्ट भी आएगा, कट ऑफ के लिए आप लोग को बिल्कुल फ्री होना है। और जिन कैंडिडेट कहते हो कि हमसे बात करना है, मैं कहूँगा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करिए, ग्रुप में क्वेश्चन छोड़िए, ग्रुप में क्वेश्चन करिएगा, कोई ना कोई कैंडिडेट जवाब भी दे देगा, या मैं ऑनलाइन रहता हूँ तो मैं भी उसका जवाब दे दूंगा। तो लगभग आपके सारे डाउट क्लियर हो गया होगा, इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करिएगा, हम आपके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, आपका आंसर हमेशा हम देते रहेंगे। फिलहाल दोस्तों हम विदा लेते हैं, अब आपके लिए धमाका करेंगे एएनएम 10,709 वैकेंसीज की पूरी रणनीति के साथ, जिस तरह से हमने आपको इस 8,853 में कंप्लीट मेरिट लिस्ट तक आपके साथ हम रहे। तो आज इतना ही रहने देते हैं, बाय बाय।